देश और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार से डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी हमेशा कोई न कोई नियम बनाते रहते हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के बारे में बात की है। 15 सूत्रीय प्लान का सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और पटाखों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए हैं। तो वहीं पराली पर मचने वाले हो हल्ला से बचने के लिए सरकार ने बायो डिकम्पोजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। केजरीवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले बहुत समय से दिल्ली सरकार ने डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं, और साथ में ये भी बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली सरकार ही खरीद रही है। केजरीवाल ने सरकार के कदमों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण की कमी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साल 2014 के मुकाबले 2023 में प्रदूषण के स्तर में 30% तक की कमी आई है। 14 में PM10 324 होता था, आज 223 है, तो लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी, 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत ख़राब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत ख़राब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें कैंपेन चलाया पिछले कई सालों से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को, सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15-पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ जो स्टेप्स लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। उसके बाद हम 15-पॉइंट एक्शन प्लान पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी, और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर ना केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं। 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पर हैं, इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, केवल बसों के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। और ये पॉलिसी देश ने, दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज जितने व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, नए व्हीकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में, उसमें 17% व्हीकल्स ई व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, और देखा गया कि अलग अलग शहरों के अंदर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो हरित क्षेत्र है उसमें कमी आती है, पेड़ों में कमी आती है। दिल्ली में उल्टा हो रहा है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे, जो कि अब बढ़ के 23% हो गए हैं, कम होने की बजाय 3% बढ़ गए हैं। ये बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है। एक हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई थी। कई बार हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटने की अनुमति देनी पड़ती है।
कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कई कई साल, कई कई 100 100 200 200 साल पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो बहुत गलत है। तो ट्री हमने ये कंपलसरी कर दिया कि उसे आपको काटना नहीं है, उसे आप जड़ों के साथ आप उसको निकालेंगे और कहीं और ले जाके उसको लगा देंगे। इसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का।